नमस्कार आदाब, प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हम कहीं भी रहें, बना लेंगे जगह अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। शख्सियत में आज मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ आधुनिक नृत्य का संगम कुछ यूं किया कि वो खास के साथ साथ आम लोगों में अपनी जगह बना गया। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर मारूफ कलाकार जयचंद्रन पालजी से। आधुनिक नृत्य भाव, सुर, ताल, लय और थाप का एक अनोखा अंदाज। शास्त्रीयता के साथ आधुनिकता का सुंदर समावेश। एक कलाकार जिसने हिम्मत की लीक से हटकर कुछ नया करने की। हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार जयचंद्रन पालजी की। केरल के छोटे से गांव में वीरमन मेनन और पालजी करिथियानी अम्मा के घर जन्मे जयचंद्रन को बचपन से नृत्य का शौक रहा। भरतनाट्यम, कथकली, लोक नृत्य और मार्शल आर्ट से जुड़े नृत्य कलारी पयत्तू की बाकायदा शिक्षा ग्रहण की। विदेश जाकर इमलता डांस कंपनी से जुड़े, लेकिन जल्द देश वापस आए और बेंगलोर में कॉन्टेम्पररी डांस स्कूल अट्टा कलारी की स्थापना की। नृत्य को एक नए अंदाज में पेश करने का जुनून जयचंद्रन पालजी को हमेशा से रहा। यही वजह है कि उनकी कोरियोग्राफी में तैयार डांस थीम्स एक नया कलीवर लिए होती है। उनकी प्रस्तुतियों में प्रकृति के साथ साथ मल्टीमीडिया का भरपूर प्रयोग उन्हें सबसे अलग श्रेणी में खड़ा करता है। अपने इस अद्भुत सफर में जयचंद्रन को मौका मिला कई कलाकारों के साथ काम करने का और इनकी ये कोशिशें संगीत की दुनिया में नए आयाम रच गईं। उनकी कामयाबियां और कुछ नया करने की धुन के चलते बेशुमार अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। जाने क्यों मैं रहूं खोया खोया सा। आज की तारीख में अट्टा कलारी सेंटर फॉर मूवमेंट आर्ट्स के जरिए वो युवाओं को नृत्य की दुनिया से आशना कराने का काम बहुत खूबसूरती से कर रही है। बहुत बहुत स्वागत जयचंद्र जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि डांस की, नृत्य की शुरुआत आपकी कैसे हुई? बचपन से हुआ। When I was a child of around 7-8,
always I used to go and stand in front of the mirror and try to imitate the dance that I've seen in festivals, temples, other places. So ye bahut khushi ka baat mujhe. So always I used to imitate the dances I have seen. But there was no chance for boys to learn dance in the village. You know, I was in a little village in Kerala. So the first time I have learned dance when I was around 8 or 9 in the school for a folk dance. A lot of boys together, we did a dance for the school annual day. Unfortunately, that year the school annual day didn't happen. So we couldn't dance. So that was my first foray into dance. बचपन से आपने जैसे बताया कि आपको नृत्य का शौक रहा, माता पिता ने कैसे लिया और कौन से खास गुरु रहे जिनसे आपको सीखने का मौका मिला? मैं एक नायर कम्युनिटी से है, ये कम्युनिटी है ऐसा है, ये आयोथन और नृत्य इसमें ये बहुत परफेक्ट होते हैं, दे रियली वर्क इन दिस मार्शल आर्ट एंड डांस. सो माय मदर always was very interested in dance. So in fact, after an operation, she had to rest, and there was a family function. She got up and danced wildly. We had to stop the function. So she had this passion for dance. I suppose I probably have got a little bit from her, but she was not a professional dancer. So I come from a community of dancers and martial artists. So for me, dance was such a something which was in me from the beginning. गुरु कौन रहे? माय फर्स्ट टीचर, ये माय मेरा गुरु तो ये कलामंडलम क्षेमावती, पहला गुरु. आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, मैं तो चले गया उधर धनंजय जी, धनंजय और शांता धनंजय इसके साथ, एंड उधर एडवांस स्टडीज इन भरतनाट्यम आई टुक अप विद धनंजय. ऑल्सो कथकली में कलाक्षेत्र से सीखा. अच्छा, कलाक्षेत्र से आप जुड़े रहे? या कथकली, ओनली 3 years, विच इज फॉर वेरी लिटिल फॉर कथकली. कथकली, ओके. भरतनाट्यम मेनी इयर्स आई लर्न्ड एंड आई डिड सोलो परफॉर्मेंसेस इन भरतनाट्यम. कहाँ कहाँ किए? इन चेन्नई, इन लंदन, इन एंड आई ऑल्सो डांस्ड विद धनंजय एंड कलाक्षेत्र ट्रूप्स एज वेल. फिर लंदन क्यों चले गए? See, when I went to college only, I started learning dance professionally, which is, I was already 16, 17, and I was very good in studies. So I was always analyzing dance. So मुझे ऐसा लगा ये, for example, I felt like these dance stories are talking about very old time, and I want to talk about my experience, my life, my time. And I wanted to have a language for it. And I've started working with different people, theater people, Chandralekha. And but I couldn't find this contemporary language. I thought maybe this language exists, and it's almost like if there is a wheel, I don't have to reinvent it. I want to use that wheel. So I decided to go to London to study contemporary dance. So this education was very important. And in the contemporary dance school, we were also learning not only contemporary dance, ballet, and I had learned African dance forms, the Brazilian martial art, capoeira, and many, many other things like Tai Chi. So I started... Tangta also, no? Tangta, yes. And I started a company, my own company, called Imlata Dance Company. I represented UK. I also in some international choreographic events. And was supported by the British National Dance Agencies, also Arts Council of England. So that was a good recognition for me. Atakalari ke saath, you just mix up the contemporary dance. So what was the thought behind that? See, Bharat mein aap dekhiye, it's a very rich country with so much traditions. You know, in the state where I'm from, every little region has got its own dance tradition, martial art tradition, ritual theater. So it's such a rich cultural tradition. But the probably due to the colonial rule, some of our traditions did not evolve as we went along. You know, classical traditions so beautiful. And but it's almost like a golden box for me. So I want to
think about what are the concepts of body mm-hmm. and principles of movement in these forms. Mm-hmm. How do we make use of this huge civilizational knowledge, mm-hmm. civilizational wisdom? So I researched, I experimented with this, then brought the contemporary experiences, improvised, created, experimented, created new mm-hmm. language. How critics reacted? Fantastic. In the beginning, there was people didn't fully understand, mm-hmm. but as 1 or 2 years went by, mm-hmm. people were really kind of warmed to the whole idea. And I think from then, it was a very good response. And the audience? Audience, of course, particularly the young people had a gut level mm-hmm. reaction. You know, for them, this is them. Mm-hmm. You know, this is their time. You know, they felt this is how they feel. Probably they didn't have the language to express it, mm-hmm. but it was a fantastic response. So, there are lots of movement in your dance. So, yeah. How would you like to define that movements? See, I would say they are earthy, mm-hmm. they are soulful, mm-hmm. they are also very uniquely individual, mm-hmm. you know. So, it belongs to the people who create. So, in a way, contemporary dance doesn't idealize a body. So, mm-hmm. you don't aapke liye ek अच्छा बॉडी होना है ऐसा नहीं है लेकिन आपके लिए आपके साथ क्या है यूनिक आपका है आपका यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखता है ओके मेरे पास क्या मूवमेंट्स खास हैं यस तो आप उसमें जब बच्चों को चुनते हैं जब आप उनका सिलेक्शन करते हैं तो आप उसमें किन चीजों का ख्याल रखते हैं मैं ऐसा देखता हूँ लेकिन आप से एक यंग पर्सन कम टू लर्न डांस वेदर दैट पर्सन हैज गॉट कोऑर्डिनेशन सेंस ऑफ म्यूजिक म्यूजिकलिटी सेंस ऑफ स्पेस फिजिकल अवेयरनेस इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट डांस ही हैज लर्न्ड और शी हैज लर्न्ड इट्स अबाउट व्हाट इज द पोटेंशियल इनको क्या क्या कर सकते ये मैं देखता हूँ आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपकी आज तक की जर्नी को बहुत करीब से देखा है मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें फिर अपने रिएक्शंस भी हमें दें आइए देखते हैं जयचंद्रन से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं ICCR के डायरेक्टर जनरल की ओहदे पर काम कर रहा था काफ़ी कम मैंने देखा है कि ऐसे यंग प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे यंग क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना हासिल कर लिया हो और जयचंद्रन मेरे को मिलने के बाद में ऐसा लगा कि उनमें एक ऐसी प्रतिभा है भारतीय नृत्य शैली को यूज़ करके एक जो नए तरीके का कंटेम्पररी डांस स्टाइल शुरू किया है वो बहुत काबिल तारीफ है बहुत प्रशंसा योग्य है और इसके लिए एक तरह की समझ चाहिए जो उनमें है तो मैं यही कहूँगा कि जयचंद्रन में प्रतिभा है और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्रतिभा और निखर करके आगे आती रहेगी तो उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नमस्कारम जयचंद्रन जी कैसे हैं आप आपके बारे में तो मेरी बहुत ही खूबसूरत मेरी यादें हैं बहुत सारी बातें हैं और आज इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे एक मौका मिला है आपको फिर से अपना बहुत सारा आभार जताने का मुझे आपको बहुत सारी शुभेच्छा देने का मुझे एक मौका मिला है आपसे मेरी आपको याद ही है कि मेरी मुलाकात हुई थी पौंडीचेरी में जब हमने एक बहुत ही खूबसूरत गाना किया था जिसका नाम खामख्वाह था और वहाँ पर जब आपने आकर जो आप मेरे साथ जो आपने बात की और जो जो आपके आइडियाज़ थे वो मेरे साथ शेयर किए और उसके बाद जब आपने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया इतने खूबसूरत डांस मूवमेंट्स में और आपका जो ग्रुप है अटक कलरी उनके साथ आपने जब वो पूरा का पूरा सजाया उस वीडियो को तो मैं देख के सचमुच दंग रह गया आपकी जो कला है आपका जो टैलेंट है वो तो बिल्कुल ही किसी को भी गदगद कर दे किसी को भी बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दे लेकिन उससे ज़्यादा जो आपकी पर्सनालिटी है जो आपका एक व्यक्तित्व है उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मुझे मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ मैं बहुत प्रभावित हुआ स्वस्थ रहें मस्त रहें और व्यस्त रहें और मुझे याद करिएगा अपनी दुआओं में याद करिएगा और यूफोरिया जो है मेरा बैंड है हम सब आपको बहुत 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 प्यार जताते हैं गॉड ब्लेस यू स्टे महफूज क्या कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू से वेल आई थिंक It is humbling to hear mm-hmm. people appreciate the work one does silently. I think for me, individuals like, mm-hmm. The people I know, like in retrospect, it is actually very gratifying to hear. बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. What are the limitations in your dance? Actually, contemporary dance give you
unlimited possibilities. Mm-hmm. Of course, as an artist, you always want to have a boundary, mm-hmm. because the picture is beautiful when it is framed, mm-hmm. And you don't show the entire world. You choose what are the images that has to mm-hmm. come inside your frame. Mm-hmm. You know, and that particular specific choice, mm-hmm. This is very important. Mm-hmm. Artists ke liye bahut important. So restriction is always a freedom. Mm-hmm. So that way, as an artist, we try to create boundaries. You know, we try to create some kind of restriction so that the things that goes into that frame mm-hmm. becomes ever so more powerful. कन्वेंशनल लुक के साथ साथ आपने डिजिटल लुक को भी अपने डांस में, अपने प्रोडक्शंस में, अपने कोरियोग्राफी में जगह दी. क्या सोच रही इसके साथ, मतलब कैसे लोगों को रिलेट करना एक सोच रही? सो आप जरा सोचिए हमारा इतिहास, हमको महाभारत और रामायण, ऑल दीज स्टोरीज हैज गॉट फैंटास्टिक इमेजेस, यू नो, सो वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इमेजेस. Digital medium is a fantastic thing to close up. Mm-hmm. You can magnify these images into a much bigger frame. So, but also, if you look at the scenography, conventionally, mm-hmm. it is wood or plaster of Paris or these kind of plastic arts. Mm-hmm. But today we have the facility to change the scenography with a click of a mouse into, you can bring any other context from mm-hmm. any part of the world mm-hmm. into the stage area. Mm-hmm. So the digital medium allows you that. It also gives you interactive, non-linear performance modes. Mm-hmm. So I'm very fascinated with this, because also my education in physics also probably mm-hmm. helped that. ऐसे आपके बहुत से डांस प्रोडक्शंस रहे हैं. कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, and कौन सा बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहा? See, it's very difficult. It's almost like asking somebody to change, somebody to select one of the child among the many children one have. You know, it's quite Nagarika? Tough. Nagarika is a kind of a research project. Mm-hmm. That is a digitally constructed a project where we have researched with some of the most important masters of Bharatanatyam mm-hmm. and Kalaripayattu. Mm-hmm. And we have almost 140 hours of footage and mm-hmm. then edited down to 5-6 hours in an interactive digital medium. So you can find out each of the movement and get the explanation from the master. Okay. But couple of our recent production, for mm-hmm. example, Meithuni, Echoes of the Body, mm-hmm. or Athara Chakra, a dance log. Mm-hmm. So these productions are unique because I think one was completely away from digital technology, only using body. Mm-hmm. The other one, on the other hand, we went to all the monuments like Chidambaram Temple, Vaidyeswaran Koil, Kutub Minar, Humayun's Tomb, you know, you name it, many places, looking at people and their memories and their life over a period of time, the kind of urbanization, forming of cities and things like that, mm-hmm. filmed there. And that film was brought into the stage where the contemporary dance and this traditional material came together. That juxtaposition was also very beautiful. Beautiful. कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके बारे में कहा है. आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा. हेलो जयचंद्रन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर से हम इतने दिनों के बाद बातचीत कर रहे हैं. आपको याद है हम कोई 10-12 साल पहले मिले थे जब आपका काम जर्मनी में आया था और हम एक फेस्टिवल में थे इकट्ठा, जिसको मैंने क्यूरेट किया था. तो आपने एक डांस को एक ऐसी एनर्जी दी है, अलग अलग किस्म के आपने प्रयोग किए हैं डिजिटल फॉर्मेट में, और डिजिटल साउंड एंड म्यूज़िक को इस्तेमाल करना, लाइट्स को इस्तेमाल करना, तो वो चीज़ें मुझे लगता है हम सबको जो थिएटर में हैं एक डायलॉग बनाने का मौका देती हैं और एक्साइट करती हैं, और एक इंथ्यूजियाज़म भी बढ़ता है कि नई लैंग्वेज, नया प्रयोग, नई भाषा डांस में निकल के आ रही है. तो जयचंद्रन, ऑल द वेरी बेस्ट और वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स कि आपका काम इसी तरह से फुल ऑफ एक्साइटमेंट और एक न्यू डायरेक्शन लेता रहे, जिसके कारण हम सब की बातचीत एक दूसरे से और बढ़े. जयचंद्रन सर से मेरी पहली मुलाकात बैंगलोर में हुई थी. उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की एक कोर्स में मैं बैंगलोर गया था, एंड इन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. इनका डांसिंग स्टाइल, इनका कोरियोग्राफी स्टाइल बहुत ही यूनिक है. इनके आइडियाज़ कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत रेलेवेंट हैं.
इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आर्ट्स एंड एजुकेशन में या डांस डेवलपमेंट में, कंटेम्प्रेरी डांस के फील्ड में इन्होंने बहुत रिसर्च किया है. इनका इनका कोरियोग्राफी स्टाइल इज़ वन ऑफ इट्स ओन इन इंडिया. एंड उनके उन्होंने हमें मेरे जैसे काफ़ी सारे यंग इंडियन डांसर्स को इंस्पायर किया है. एंड आपके आर्ट्स एंड एजुकेशन के इनिशिएटिव्स, डांस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव बहुत इंस्पायरिंग है. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स. एंड आई होप कि यू कीप अस इन योर ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम. एंड प्लीज़ कंटिन्यू योर गुड वर्क. क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? मैं बहुत खुश हुआ. Very well said, and I think he is a very dedicated student and mm-hmm. very hardworking and mm-hmm. talented. You have been also associated with Bollywood and Tollywood also. In a small way, very small way. Okay. So what were the projects? Well, recently we did a production with Kamala Haasan mm-hmm. Called Uttama Villain, mm-hmm. and he asked me to choreograph a couple of the songs for mm-hmm. the film, mm-hmm. and it was very special to work with him. He came to the studio, rehearsed quite intensely, and put in a lot of time and effort, and also knows quite a lot about dance and music and all of those things. So that was very enriching experience for me, and it was very enjoyable too. With Kamala Haasan. Kamala Haasan. And also I did recently one Hindi film with Bijoy Nambiar was mm-hmm. a director, mm-hmm. and Amitabh Bachchan was acting in it. Mm-hmm, mm-hmm. You also organized a dance festival once in a year. What was that? The Artakalari India Biennial. Mm-hmm. It happens every 2 years. Mm-hmm. And this festival, yeto South Asia ka bada festival hai, mm-hmm. most important festival hai. Mm-hmm. This is the festival where around 25 countries take part, mm-hmm. and more than 200 artists from all over the world. Mm-hmm. And this festival not only present the best work from around the world, mm-hmm. but also gives a chance to young and emerging choreographers, you know, bring them up to an international stage. Mm-hmm. And we also conduct a choreography residency mm-hmm. To help young choreographers to find their feet, you know, mm-hmm. and that young choreographers will get mentors, really experienced dance artists to mentor them in their process. And that has resulted in fantastic productions as well. आप जैसे कॉन्टेम्प्रेरी डांस लेकर आए, आधुनिक नृत्य को आप लेकर आए, इसमें आपने बहुत से नृत्यों का समावेश भी कर दिया, इमर्ज कर दिया आपने बहुत सारे नृत्यों को. जो डांस मास्टर्स हैं, मास्टरोज हैं, उनका क्या कहना रहा? Well, when I performed in Chennai, mm-hmm. and it was very special for me. It was mm-hmm. in Music Academy. Whenever I go to perform, mm-hmm. mostly I do it in Music Academy. That's a very historical space. Mm-hmm. That is where the first time the word Bharatanatyam was coined. Mm-hmm. In and for example, when I was performing there, my own teachers, mm-hmm. Dhananjayan, so they came and blessed. They said it was fantastic and beautiful. Mm-hmm. So was Professor Chandrasekhar. Mm-hmm. And Professor also Balagopal sir, mm-hmm. all from Kalakshetra. Mm-hmm. So they are all from the very classical tradition. Mm-hmm. But they, you know, one of the great thing about these masters are, they when they see something good, they always appreciate uh-huh. and generous, very generous. Uh-huh. So I remember also doing some research work with Kirpadathil Kumaran Narayanan. He was mm-hmm. 88 at that time. And then this Amanur Madhavacharya, mm-hmm. the legendary Kudiyattam artist. Mm-hmm. So they were so fantastically generous. Kirpadathil Kumaranarayanan, he all used to make this coffee for me with Horlicks. Mm-hmm. And it is his special coffee. Mm-hmm. And he said, I know you are going to do something. And, you know, I feel so humble. These great masters, for me, they are like Beethoven or you know that mm-hmm. kind of you mm-hmm. know we in our country we don't have that facility to recognize them. So it's a contemporary dance or contemporary literature or contemporary music or contemporary cinema mm-hmm. is the expression of our time. Mm-hmm. If we do not have contemporary art, mm-hmm. we cannot make sense of contemporary experiences. Then we get alienated from our life. Mm-hmm. That is not a life worth living. Mm-hmm. You know, so for me, to value tradition, to enrich our tradition, we need to inject new energy into it, new ideas into it. Mm-hmm. And contemporary dance is enriching and adding to our tradition.
And it is not in competition with anything. It is not in against anything. Mm-hmm. It is again a complementary thing. So that is something which we have to celebrate. चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने हिंदी फिल्में कभी देखी? देखा. गाना कौन सा पसंद है? I love that song because I think it reminds me about a time where in our cities, you know, this kind of childhood were valued, family values were valued. Mm-hmm. You know, those, because of this production, for in this production, there was a resonance of that. So mm-hmm. I decided to use a tiny section of that. The words I can't remember now. Aa chal ke tujhe main leke chalu ek aise gagan ke tale jahan gham bhi na ho aansu bhi na ho bas pyar hi pyar pale aa chal ke tujhe main leke chalu एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। जयचंद्र जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको तो, बेहद शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।